हाँ भैया, अबे उधर नहीं, उधर नहीं, इधर 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 भाई की बात सुनो। पैसे आए हैं, पैसे लेने आया हूँ। आपका जो प्यार है पैसे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पहले पैसे ले लें, फिर बात करते हैं। इस टाइम मैं डी ग्राउंड में हूँ और यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जो है, यहाँ से पहले पैसे ले लें, फिर बाकी बात करते हैं। अच्छा जी, तो पैसे आ गए हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा है मुजफ्फर भाई का। ही इज़ माई फ्रेंड, बी कॉम का दोस्त है और वो दुबई में था। मेरी पेमेंट, मेरा अकाउंट क्योंकि दुबई में था तो इसलिए पैसे मेरे दुबई में चले गए और मैंने मुजफ्फर का अकाउंट दिया था, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए और मुजफ्फर ने आज मुझे पैसे सेंड कर दिए। अच्छा, इससे पहले भी क्योंकि मेरा जो यूट्यूब के एडसेंस का अकाउंट है जिससे पैसे बनते हैं वो दुबई में था, अकाउंट यूएई में बना हुआ है, तो इससे पहले मेरे $107 आए थे और मैंने जस्ट अपना एड्रेस चेंज किया था तो मुझे लगा था कि मेरे पैसे पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन जब मैं वेस्टर्न यूनियन गया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके जो $107 हैं वो यूएई में चले गए हैं और आप पाकिस्तान से कलेक्ट नहीं कर सकते वो। तो फिर मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया है। तो खैर इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था उसके बारे में। तो फिर मैंने बाद में जब YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन देखी तो मुझे पता चला कि जो आपकी पेमेंट का जो एड्रेस है, जो कंट्री है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी तक की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो कंट्री है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने यूएई में अकाउंट बनाया तो आपके पैसे यूएई में ही जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और अगर आपने पाकिस्तान में अपने पैसे मंगवाने हैं तो पहले अपना एडसेंस वाला अकाउंट कैंसिल करना है और नया अकाउंट बनाना है, उसमें पाकिस्तान का जो है आपने कंट्री है वो सेलेक्ट करना है या इंडिया का है आपका, जो भी है। अच्छा, तो इस तरह वो $160 अभी उधर ही पड़े हैं। उसके बाद मैंने देखा था कि यार ये जो पेमेंट है ये रिवर्स कैसे होती है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल देखे थे या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपके पैसे किसी मुल्क में गए हैं और वो आपने पैसे कलेक्ट नहीं किए और आपने कंट्री चेंज किया है तो विद इन 60 डेज़ आपके पैसे जो है रिवर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 60 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया लेकिन वो पैसे वापस नहीं आए। मैंने कुछ उसके ऊपर लोगों ने लिखा था कि यार हमें 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया लेकिन हमारे पैसे वापस नहीं आए। तो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अबाउट एडसेंस एंड वेस्टर्न यूनियन कॉन्ट्रैक्ट, कि उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब तक वो रिवर्स करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि हमारे पैसे वापस आ गए हैं। तो खैर अभी ये करना पड़ेगा मुझे कि मुझे अपना एडसेंस का जो यूएई का अकाउंट है वो कैंसिल करना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए नया अकाउंट अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा तो मेरी पेमेंट डायरेक्ट पाकिस्तान में आ जाएगी। अच्छा जी, और बस यही है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, बनाते जाएँ, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने एक लिमिटेशन भी लगाई है कि आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर और कुछ मिनट्स आपके व्यू होने चाहिए, उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होती है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये कह रही है कि जो आप जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, अगर आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो आप वीडियोस पे बनाते जाओगे, कोई भी चीज़ उसके ऊपर आपको स्टॉप नहीं कर सकती। मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने बनाई थी और बनाने के बाद मेरे सब्सक्राइबर जो है वो कम हो गए थे, लेकिन वही वीडियोज़ बाद में दोबारा यूट्यूब ने पिकअप की और उन्हीं वीडियोज़ की वजह से 500 और 1000 के हिसाब से सब्सक्राइबर गेन किए उन वीडियोज़ ने। तो ये मत शॉर्ट टर्म ना सोचें, ठीक है, हर चीज़ को लंबी गेम के लिए सोचें। और स्पेशली यूट्यूब के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आई थिंक आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता और फिर एक टाइम आएगा पैसे भी बनने शुरू हो जाएंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं यार आप पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। इट्स नॉट मच मनी, अभी ये जो पैसे आए हैं मेरे पास ये आई थिंक ये हैं तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये है। तो खैर अभी काम ये करना है कि पाकिस्तान के लिए नया अकाउंट बनाना है और यूएई वाला अकाउंट जो है वो कैंसिल करना है। तो मुजफ्फ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने विद इन अ सेकेंड रिप्लाई किया मुझे व्हाट्सएप पे और फटाफट मेरा काम कर दिया। और हाँ, ये जो पैसे मुजफ्फ़र के अकाउंट में गए हैं वो जो पेमेंट का जो होता है ना उसके ऊपर, एडसेंस के ऊपर कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर मैंने अपना क्योंकि मेरा जो यूएई का अकाउंट है वो बैंक अकाउंट वो इस टाइम बंद हो गया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक्ड है, तो फिर मैंने मुजफ्फ़र का अकाउंट डिटेल लेके, उसका आईबैन नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, वो लेके मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला। उसकी एग्जैक्ट जो उसके बैंक टाइटल है, अकाउंट टाइटल है, सेम वही नाम डाला, अकाउंट डाला,
उसके बाद मैंने अपनी पेमेंट को अपडेट कर दिया और उसको मैंने प्राइमरी सेट कर दिया, तो पेमेंट गूगल ने जो है वो डायरेक्ट मुजफ्फ़र के अकाउंट में कर दी और मुजफ्फ़र ने मुझे फिर पाकिस्तान में पैसे भेज दिए। ठीक है, तो अगर आपके कोई पैसे फंसे हैं, अगर आपने कंट्री चेंज किया तो दूसरे कंट्री में आपका जो दोस्त है आप उसका अकाउंट नंबर लेके उसके अकाउंट में भी पैसे भेज सकती हैं। ठीक है, लेकिन उसकी भी इन लिमिटेड इन सर्कमस्टांसिस, वो ये नहीं है कि मतलब आप उसको इस चीज़ को यूज़ करके कोई दो नंबर ही करें, वो उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक या कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, मेरी रीज़न जेन्युइन है, अगर कोई मेरे से पूछेगा मैं उनको प्रूफ भी दे सकता हूँ। तो दैट्स इट गाइस, आई थॉट कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, पैसे आ गए हैं तो इसका कुछ करते हैं। जी सर। हाँ यार, फुल कर दो यार। फुल? और नहीं, बात सुन, 1000 रुपये का, 1000 का, 1000। हाँ।